Good morning, children. I, Smita Verma, welcome you to the YouTube channel of Excellent Tutorials. I hope you have gone through the previous videos that I have posted earlier and tried to learn the list that I have provided. As we have discussed in the last class, कि अगर आप अपने English को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको vocabulary स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसको एनरिच करना पड़ेगा. वोकैबुलरी एनरिच करने के लिए आपके पास शब्दकोश होनी चाहिए. एंड दैट वर्ड बैंक कैन बी प्रोवाइडेड टू यू ओनली थ्रू सच टॉपिक्स लाइक टुडेज टॉपिक इज होमोफोन्स. होमोफोन्स किसे कहते हैं? व्हाट इज होमोफोन? होमोफोन्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिसकी मीनिंग अलग हो लेकिन साउंड एक जैसा करे. वी कम अक्रॉस सो मेनी वर्ड्स इन आवर डे टू डे लाइफ. व्हेन समवन इज स्पीकिंग एट दैट टाइम यू कैन नॉट मेक आउट कि व्हाट दैट पर्सन इज ट्राइंग टू से अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट लिसनिंग द एंटायर सेंटेंस. फॉर एग्जांपल सन. सन से हम एसओ एन सन और एस यू एन सन दोनों समझते हैं. एसओ एन सन का मतलब बेटा और एस यू एन सन का मतलब सूरज. सो देर इज अ डिफरेंस इन द मीनिंग बट देर इज सिमिलैरिटी इन द साउंड. बाय हियरिंग ओनली द वर्ड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन ट्राइज टू से. सो लाइकवाइज वी हैव अनदर वर्ड वे एंड वे. इस वे का मतलब रास्ता और ये वे का मतलब किसी चीज को मापना. S E A C यानी समंदर and this sea means to watch. ये टू यानी किसी के लिए और T double of two का मतलब भी. So male and male. Male की मीनिंग अलग है. This male is letter and this male is masculine male. All the you can say masculine gender is represented by male. Then fair and fair. ये fair का मतलब being good. और इस फेयर का मतलब क्या होता है? किसी चीज का किराया. तो इस तरह से कई सारे और शब्द हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं क्योंकि उनका साउंड बिल्कुल एक जैसा होता है, मीनिंग अलग होती है. जैसे एच ए आई आर हेयर. हेयर मींस दिस हेयर. वेयर आर दिस हेयर का मतलब क्या होता है? खरगोश. हाई एंड हाई. व्हेन आई से हाई इट इज लाइक व्हेन यू मीट पीपल देन यू से हाई और हेलो. ओके व्हेन यू विश पीपल यू से हाई. व्हेन यू विश पीपल एंड दिस हाई का मतलब ऊंचा. प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल. जनरली पीपल गेट कंफ्यूज्ड अ लॉट इन दिस वर्ड. दिस प्रिंसिपल मींस प्रधानाध्यापक. यानी आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके जो प्रिंसिपल है उनके लिए आप ये स्पेलिंग यूज करेंगे. एंड दिस प्रिंसिपल मींस सिद्धांत, किसी के उसूल. ये जो प्रिंसिपल है पी आर आई एन सी आई पी एल ई, इसका मतलब होता है किसी का उसूल. तो यू कैन सी दैट हाउ मच बिग डिफरेंस इज देयर इन द मीनिंग बट देयर इज नो डिफरेंस इन द साउंड चिल्ड्रन. सो वी नीड टू लर्न इट. नो एंड नो अगेन वेरी बिग डिफरेंस. व्हेन यू से नो इट मींस यू डोंट नो. ओके ओके बट व्हेन यू से एनो नो इट मींस दैट यू आर सेइंग नो टू समथिंग. And when you say no, you mean to say that you know that. It is related to understanding and it is denial or refusal. When you say pair, so this is joda. Pair ka matlab kya hota hai? Kisi ko tak chak karna. Dye and dye. Dye ka matlab mar jana. D-Y-E dye, yani koi color. Now, buy and buy. Ye B-U-Y, buy ka matlab koi chiz aap परचेज करते हो तो आप बाई बोलते हो. जब आप किसी से मिलके वापस जा रहे होते हैं तो आप बी वाई बाई बोलते हैं. देन अगेन सेल एंड शेल. शेल इज द आउटर कवरिंग ऑफ समथिंग वेयर आर सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ विच आर बॉडी इज मेड अप ऑफ. नाउ ब्रेक एंड ब्रेक. ये ब्रेक हम साइकिल में देखते हैं और ये ब्रेक का मतलब कि आप किसी चीज के बीच में ब्रेक ले रहे हैं, इंटरवल है. देन वेस्ट एंड वेस्ट. इस वेस्ट का क्या मतलब होता है? किसी चीज को बर्बाद करना. और डब्ल्यू ए आई एस टी वेस्ट का मतलब कमर.
wait and wet. तो यहाँ भी काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है इसके साउंड में. वेट का मतलब किसी के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पर जो वेट है इसका मतलब क्या है, भींगा हुआ. हील एंड हील, ये जो हील है ये हमारे जूते चप्पलों के जो हील होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है. और एच ई एल हील का मतलब किसी चीज, जैसे आपको घाव है उसके भरने को हम हील बोलते हैं. तो चिल्ड्रन यू हैव सीन दैट हाउ वर्ड्स कैन कंफ्यूज अस थ्रू देयर साउंड. दीज ऑल आर द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट हैव सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग. आई हैव अटैच्ड अ लिस्ट ऑफ homophones along with this video. I hope you will go through it and get benefited and try to better your English. Thank you and have a nice day. And please don't forget to subscribe, like and share my video.